क्लास 11th के बायोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको खुशी मैम बताएंगी कि केंद्रक क्या होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक वह क्या होता है। आपको सेल के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया गया है, यानी कि कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, कोशिका का खोज किसने किया था, यह हर चीज़ आपको बता दिया गया है। जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वह जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट से निकाल करके वह वीडियो आप देख लीजिए। अभी जाइए और वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। आपको एक एक पॉइंट्स बता रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप खुशी मैम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, तो ही आपको वीडियो मिल सकेगी। और इस वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कुछ पूछना है मैम से, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी पढ़ाई आज से स्टार्ट करना शुरू कर दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कीजिए। चलिए आपको वो बता रही हैं कि केंद्र क्या होता है, केंद्र को ध्यान से समझिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्लास आपको वह करा रही हैं, तो अच्छे से करिए। और हम आपको मैथ का क्लास कराते हैं, आपको ये पता है, तो डेली आपको 8 बजे वीडियो आती है, आप वीडियो देखना ना भूलेंगे। बच्चों आज हमको बात करना है न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में। केंद्रक किसे कहते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, है ना। जैसे कि आपने इसे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, आपको उसमें बताया गया था सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आपको कोशिका का एक अंग है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस केंद्र, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है न्यूक्लियस केंद्रक, कोशिका है, कोशिका के अंदर एक मैम छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक में मैम क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर मैम कुछ न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, और वो न्यूक्लिक एसिड किसके रूप में होते हैं, तो डीएनए और आरएनए के रूप में होते हैं। किसके रूप में, डीएनए और आरएनए के रूप में होते हैं। और मैम डीएनए आरएनए क्या होता है, तो बेटा डीएनए और आरएनए जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है, डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मैम जो होता है वो कुछ इस तरीके से मॉडल होता है, द्विकुंडलित मॉडल होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, देख लीजिए मैम, दो कुंडली मॉडल होते हैं, ठीक है। और मैम जो आरएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, ठीक है, जब आपको अलग से बताया जाएगा डीएनए आरएनए तो बताऊंगी। अभी आपको क्या समझना है, सिर्फ इतना जानना है कि मैम एक कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ओके, कन्फर्म। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमें कहाँ बढ़ना है कि मैम केंद्रक को, केंद्रक को कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग बोला गया है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं, केंद्रक को वो कहते हैं। केंद्रक को मैम क्यों कहते हैं, अरे इतने बड़ा अंग बोलते हैं बच्चों कि अगर किसी सेल में, किसी कोशिका में केंद्रक नहीं होता तो उसे ब्रेनलेस बोला जाता है, उसके पास दिमाग ही नहीं है, है ना। मतलब किसी कोशिका में अगर केंद्रक नहीं है तो उसके पास दिमाग नहीं है, ऐसा माना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है केंद्रक। क्यों, क्योंकि मैम केंद्रक का कार्य क्या होता है, वो कोशिका के अंदर करता क्या है, मैम चीजों को मैनेज करने का काम करता है, सेल के पार्ट को मैनेज करने का काम करता है, कि कोई चीज कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है, खराब है, क्या है, ये सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, मैम न्यूक्लियस केंद्रक मैनेज करता है। और मैम इसी वजह से केंद्रक को क्या बोलते हैं, केंद्रक को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल। तो कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, कोशिका का मैनेजर बोलते हैं, किसे, केंद्रक को। ये दो नाम हमेशा याद रखिएगा कि कोशिका को और किस नाम, सॉरी केंद्रक को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक कहाँ पे होता है, तो मैम केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉमन सेल की बात कर रहे हैं, ना प्लांट सेल ना एनिमल सेल, क्योंकि अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में केंद्रक अलग जगह होता है और एनिमल सेल में अलग जगह होता है। तो कॉमन सेल की बात करो तो केंद्रक हमारा बीच में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। अच्छा इतनी चीजें कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो केंद्रक द्रव क्या होता है बच्चों, केंद्रक द्रव जो हमारा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वो एक गाढ़ा सा, चिपचिपा सा, लिक्विड सा पदार्थ होता है।
ठीक है, गाढ़ा सा चिपचिपा सा लिक्विड पदार्थ होता है, और वो कहाँ पे होता है तो मैम केंद्रक के अंदर कुछ ऐसे ऐसे लिक्विड पदार्थ भरे होते हैं, डिसेस होते हैं, जिसे हम केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं, या फिर मैम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है तो मैम ये अम्ली होता है, ठीक है, कैसा, अम्ली होता है, ओके। अच्छा, अब इसे मैम हम कुछ और नामों से जानते भी हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम केंद्रक रस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मैम कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए हम लोग इसे केंद्रक रस भी बोलते हैं, या न्यूक्लियर सैप के नाम से भी जानते हैं, किसे, केंद्रक द्रव को, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना होती है, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक छोटी सी मैम संरचना होती है केंद्रक के अंदर, और उस संरचना को हम बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं केंद्रिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है तो मैम साइटोप्लाज्म भी एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का मतलब होता है मैम साइटोप्लाज्म, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो और प्लाज्म, साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, नाम से ही पता चल रहा है मैम, फ्लूइड मतलब एक पदार्थ, तरल पदार्थ मतलब कि एक तरल कोशिका होती है, एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है। अब बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म, आपने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, तो मैम होता कहाँ पे है तो ध्यान से देखिएगा, इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर, ये जो चारों ओर बने हुए हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मैम कुछ लिक्विड पदार्थ भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। तो आपको चीजें कंफर्म हो गई कि कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर कुछ मैम न्यूक्लिक एसिड है जो डीएनए और आरएनए के रूप में है, और मैम कोशिका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो या कोशिका द्रव्य बोलते हो। इतनी चीजें आपने क्लियर कर दी मैम। अब बात करते हैं कि ये बना किससे होता है ना, साइटोप्लाज्म किससे बना होता है, तो लिपोप्रोटीन से बना होता है, इसकी जो साइटोप्लाज्म होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मतलब कि साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को मिलाकर या इन दोनों मिलकर क्या है बना देते हैं, एक प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं, जीव द्रव्य बना देते हैं। ये कहाँ होता है मैम, ये कोशिका के अंदर होता है, ये भी एक पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है मैम। साइटोप्लाज्म में 90%, ठीक है, साइटोप्लाज्म में 90% मैम जल होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर मैम, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और अकार्बनिक बोले तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो मैम कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कार्बनिक का मतलब खनिज लवण जल, और अकार्बनिक में मैम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, ये सारी चीजें मैम कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, कोशिका द्रव के अंदर होती है मैम, ये कोशिका और कोशिका द्रव के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, जीवद्रव्य, जीवद्रव की खोज किसने की थी मैम, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, 1839 में की थी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है, आपको क्या क्या चीजें कन्फर्म हो गया, न्यूक्लियस कन्फर्म हो गया, ठीक है, केंद्रक कंफर्म हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है आपको, सबसे मेन पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं, मेन पॉइंट ये नहीं बताया कि एक कोशिका के अंदर, ठीक है, केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना होती है, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है, केंद्रिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया कोशिका, कोशिका के अंदर क्या, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर क्या
होता है तो बच्चों केंद्रक के अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। किसके रूप में? डीएनए आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि मैम इसमें कुछ कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, कुछ जीव द्रव्य पाए जाते हैं, कुछ केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य कहाँ होता है? तो मैम केंद्रक के अंदर कुछ लिक्विड पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और ये कैसा होता है? ये अम्लीय होता है जिसे हम केंद्रक रस के नाम से या न्यूक्लियर सैप के नाम से जानते हैं। इसके अंदर मैम एक छोटी संरचना होती है जिसे हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं। आपने बताया कोशिका द्रव्य के बारे में, तो कोशिका द्रव्य मैम एक लिक्विड पदार्थ होता है, एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और मैम कोशिका द्रव जो होता है, ठीक है, तो साइटोमेम्ब्रेन या हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। इसकी परत जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। जो साइटोप्लाज्म में 90% पानी होता है और इसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? मैम बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसे हम बाद में जानेंगे। अभी इतनी चीजें आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओके, तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंट होता है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक में दो शब्दों से मिलकर बना है प्रोकैरियोटिक, एक प्रो और एक कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, बिफोर, पहले। ठीक है, और यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक। ठीक है, तो एस प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? आप बोलोगे कि ऐसे केंद्रक जिसके चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं या न्यूक्लियोइड सेल कहते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाए जाते, इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और यूकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरे डिफरेंट की बात करें तो इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ा होता। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नहीं जुड़ा होता डीएनए के साथ। अभी आपने नेक्स्ट में देखा था, डीएनए आपको मैंने दिखाया था कुछ इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, तो ये जो कुछ इस तरह की आपको संरचना दिखेगी। ठीक है, इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ऐसे ऐसे करके जुड़ा होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं जुड़ा होता और यूकैरियोटिक सेल में जुड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो इसमें तर्क तंतु का निर्माण भी नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन भी होता है और इसमें तर्क तंतु का निर्माण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल की तुलना में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल बड़ी होती है और यूकैरियोटिक सेल छोटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंट बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ये यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म में होते हैं। इसमें यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिफरेंट की बात करें तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होते हैं वो 70 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है बेटा? तो राइबोसोम एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिका होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम भी एक कोशिकांग है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है बेटा 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन,
ओके, तो इसमें क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, साइटो स्केलेटन, कोशिका कंगाल, ये सारे जितने भी कोशिकांग हैं ये सब अब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, और यही सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं इनकी साइज कितनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज जो होती है वो 0.5 से 5 माइक्रो होती है और यूकैरियोटिक सेल की 5 से 20 माइक्रो होती है। ओके ओके, तो ये आपका हुआ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट। ओके।